पर अभिमन्यु, अक्षु को ले जाने से पहले तुम्हें हमें कोई छंद या कविता सुनानी होगी। हाँ बेटा। सिर्फ तभी ले जा सकते हो अपने दुल्हन को। छंद क्या होता है मैं जानता नहीं हूँ, कविता मुझे आती नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मजाक कर रही है ना, ऐसी कोई रस्म है ही नहीं। अरे नहीं नहीं अभी, ये रस्म तो होती है। ये है? हाँ लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं। फिर तो हमारी बहन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हाँ। आंखों में तस्वीर तुम्हारी, सांसों में एहसास तुम्हारा, अगर कभी हो गया दूर तुमसे तो हो जाएगा दिल का बाईपास हमारा। पहले दिल का हाल बताया करती थी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, और अब तो जी तुम्हारा फोन आना ही है काफी। नाम तुम्हारा जैसे कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर, जो ले उसके दर्द हो जाए खत्म और लाइफ हो जाए लॉन्ग। तुम्हारी स्माइल देखकर मेरे वाइटल्स करें जंप, जैसे हर सांस में लगाओ अस्थमा का पंप। तुम्हें मैं चाहूं ऐसे जैसे बॉडी चाहे ब्लड, अब तो जी आने लगा है मेरे अंदर तुम्हारे प्यार का फ्लड। जब तुम बाहों में होती हो ना तो मेरी हार्ट बीट होती है नॉर्मल। जी अब तो कह दो आई लव यू, बहुत हो गए हम फॉर्मल। वाह! इतनी अनोखी कविता सुनाने के बाद हम अक्षु को अभिमन्यु से एक पल भी दूर नहीं रख सकते। ले जाओ भाई, ले जाओ अपनी दुल्हन को। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला उसे इस दुनिया में और कोई नहीं मिल सकता बेटा। रोना नहीं है, रोना नहीं है, है ना? नहीं, कोई नहीं रोएगा। नहीं रोऊंगी, नहीं, कोई नहीं रोएगा। आपके व्लॉग्स देखूंगी मैं भाई। पक्का? मैं वहां से रिकॉर्ड कर करके तुझे वो करते जाऊंगा। लव यू। बड़े पापा, बाय भी नहीं बोलोगे जी, बाय भी बोलोगे। बिल्कुल रोना नहीं है। नहीं रोगी। अभी करा रो रहे, खुश रहना बच्चा। अरे मामा मुझसे नहीं होगा। आगे जिस दिन का तुझे बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया, और आज तू नहीं। बड़ी मम्मा मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं वहाँ पे अकेला आपके बिना नहीं संभाल पाऊंगी। अक्षु कुछ नहीं होने वाला है, और धीरे धीरे ना तू सब कुछ सीख जाएगी। और मंजरी जी है ना, वो तेरी मदद भी करेंगे। लेकिन अक्षु अब तुझे सिर्फ खुद को नहीं, पूरे परिवार को संभालना है, हर एक रिश्ता संभालना है। नहीं होगा बड़ी मम्मा मुझसे, मैं इतने काबिल नहीं हूँ। अक्षु तू किसकी बेटी है? कार्तिक और नायरा की बेटी है। उन्होंने अपना हर एक रिश्ता अपनी जान से भी ज्यादा सहज कर रखा था। तुझे भी वही करना है, पूरे परिवार को बांध के रखना है। और पता है रिश्तों की खूबसूरती ना उनके बंधे होने में ही होती है। अलग अलग रहेंगे तो परिवार बिखर जाएंगे, पर मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अक्षु कभी भी कोई भी परिवार को अलग नहीं होने देगी, बिखरने कभी नहीं देगी। मुझसे नहीं होगा। रोना बंद कर दे चल। अक्षु मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती हुई है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती करवाई है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि शादी के बाद मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलने नहीं दूंगा, तुम्हें अपने मायके नहीं जाने दूंगा? तुम्हें कभी कुछ करने के लिए रोका है जो आज रोकूंगा? और तुम्हें तुम्हारे घर जाने के लिए मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। जब मन में आए चली जाना, कोई कुछ नहीं कहेगा। 4 दिन हम यहाँ रहेंगे, 4 दिन हम वहां रहेंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 4 दिन में आप लोगों के घर रहूंगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और उसके बाद भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरा ना, तुमने अगर इन्हें मिस किया तो इन्हें हम घर बुला लेंगे। अब वो वाला जमाना थोड़ी ना है जब मायके वाले बेटी के घर का पानी नहीं पीते। क्यों बड़े पापा? अरे बेटा, मैं तो शैंपेन भी पीऊंगा और इसकी बराई कचौरी भी खाऊंगा। अब तो ये भी हो गया ना शॉर्ट, अब क्या प्रॉब्लम है? और कोई टेंशन है तो बताओ। अक्षु देखो, अगर तुमने अभी भी रोना बंद नहीं किया ना तो मिम्मी कौन सी रस्म कह रही थी आप? वो फेर बदल वाली रस्म। फेर बदल वही कर लेते हैं। तुम रहो अपने घर 11 दिन तक। मैं नहीं रो रही। अरे सीधा सीधा बोलना कि मुझे अभी तुम्हारे साथ जाना है। ये विदाई सिर्फ एक रस्म है। ऐसे अक्षु को लेके जा रहा हूँ। वो आपकी बेटी थी और हमेशा रहेगी। सिर्फ एक +1 ऐड हो गया है। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। बेटी वाले हैं, कितनी भी कोशिश करे कोई ना कोई कमी तो निकल ही जाती है। ऐसी बातें मत कीजिए माँ जी। अब हम दोनों परिवार ना एक है। क्या लड़की वाले क्या लड़के वाले। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मंजरी जी। आज एक नया रिश्ता तो जुड़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल के हम दोनों परिवारों को भी एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, आप बेटी के पिता नहीं है इसलिए शायद आपके लिए मुश्किल होगा मेरी बात समझना, लेकिन विनती है प्लीज कोशिश कीजिएगा समझने की। अपनी सबसे कीमती चीज मैं दिल का टुकड़ा आपको दे रहा हूं। बात संभाल के रखिएगा, ध्यान भी रखिएगा इसका और मन भी। भाभी प्लीज और मत रोना, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। नील, तो ये बात पहले कह देनी थी, इतने सारे फैटी ऑयल्स प्रोटीन वेस्ट नहीं होते। आंसुओं का कॉम्पोजिशन बता रहा हूं मैं बस। अक्षर, तुम्हें एक चीज हमसे सीखनी होगी। देखो, तुम शादी करके हमारे घर पे आ रही हो, हमें अपना भाई शेयर करना पड़ रहा है तुम्हारे साथ, पर हम रो रहे हैं क्या? तुझे तेरी डोली तक लेके चलो। आप सब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, अपना जिगर का टुकड़ा, अपनी बेटी, अपनी अक्षु को मुझे सौंपा। थैंक यू। क्या हमारा बेटा ऐसे ही जिंदगी भर इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा कि जैसे इनने कोई फेवर किया अपनी बेटी देखकर? हमारा बेटा लाखों में एक है। उससे होनहार लड़का कोई नहीं है, उससे बेहतर डॉक्टर नहीं है कोई इस राज्य में। रिश्ता मांगते ना तो 100 रिश्ते आते हमारे। तो उसने भी तो लाखों में एक चुनी है ना। और बड़े पापा, ये मत सोचिएगा कि बेटी खोई है। ये सोचेगा कि बेटा पाया है। जैसे अक्षु आपकी अपनी है, तुझे भी अपना ही मानिएगा। बस कर बेटा, और इमोशनल मत कर, इतने आंसू बहा दिया। पहली वो क्या कहा था, वो अच्छे फैट और बहुत सारे प्रोटीन पहले चले गए हैं बेटा, डिफिशिएंसी हो जाएगी, रुक जा। इससे पहले कि भाभी और रोना शुरू करे और उनकी आंखों से नायग्रा फॉल्स गिरे, प्लीज अब चलते हैं, लेट्स गो। So, मिसेज अक्षरा अभिमन्यु बिरला, बुला के ले जाऊं तुम्हें? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।